जो जो 15 अगस्त आती है तो मुस्तैदी पुलिस की वाधी है। ये जी शराबी खत्म है वो भी शराब कोई ना कोई करने अपनी ताक च रेंगे ने। ब्लैक मार्च कढ़ने का मतलब जो हों कि लोगों के सुरक्षा की भावना आए कि साड़ी फोर्स चुस्त दुरुस्त शरारती बंदा जो है उन्होंने पता हो कि फोर्स जी है वो एक्टिव हैगी इस करके जी है ब्लैक मार्च जो कर। पिछले दिनों के साढ़े एस एच ओ रणजीत एवी जे है 7-8 बंदे जो पढ़ के जोड़े है उन्होंने 7-51 करके असं उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन किया है जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुम हाईलाइट जो किया। सारे लोगों को अपील करना चाहना कि जो सू कोई भी सूँ शक्की एक्टिविटी नज़र आती है जो शक्की बंदा तो एरिए नवा आगे रह रहा तो वो इंटीमेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन जरूर दो असं टाइमली एक्ट करके देश में और जोड़े है अमृतसर में जो है सुरक्षा। 15 अगस्त तो पहला पुलिस ने किए सुरक्षा के सख्त प्रबंध। पुलिस वालों जगह जगह से की गई विशेष नाकाबंदी। 15 अगस्त नूं लैके इस तो पहला अमृतसर च पुलिस वालों सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। पुलिस वालों हर थां ते विशेष नाकाबंदी की गई जिथे हर हरकत ते नज़र रखी जा रही है जिसके चलदियां शहर भर विच फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। पुलिस अधिकारी प्रभजोत सिंह विरक ने दस्या कि जिहड़े भी शरारती अंसरां ते उत्ते नज़र रखण लई इह फ्लैग मार्च कढ़िया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को अपील की कि कोई भी शक्की व्यक्ति नजर आता तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा कि लोग शहर में शांति भाईचारा बना के रखन। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से भी पूरी नज़र रखी जा रही है और शहर में भारी गिनती च पुलिस फोर्स तैनात की है। नाकियों से भी फोर्स तैनात की गई है। शहर में सीसीटीवी कैमरे नाल भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और अमृत शहर वासी आजादी का निग माण सकन जिसके चलदियां फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। वख-वख थां नाकाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि जेकर किसी को पता लगे कि कोई शरारती अंसर माहौल खराब कर सकता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। देखो 15 अगस्त के मद्देनज़र रख के सारे जोन 2 जो है फ्लैग मार्च किया गया जिदा तुम्हें पता ज्यों ज्यों 15 अगस्त आती है तो मुस्तैदी पुलिस की वाधी है। ये जी शरारती तत्व है वो भी शराब कोई ना कोई करने अपनी ताक च रेंगे ने तो ये सारिया चीज़ों मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस वालों अमृतसर पुलिस वालों जोन 2 के जो सारे SHOs के नाल DSP साहबान के नाल फ्लैग मार्च जोड़ा ये कढ़िया जा रहा। फ्लैग मार्च कढ़ने का मतलब जोड़ा हों हों कि लोगों के सुरक्षा की भावना आए कि साड़ी फोर्स चुस्त दुरुस्त शरारती बंदा जोड़ा है उन्होंने पता हो कि फोर्स जी है वो एक्टिव है इस करके जी है फ्लैग मार्च जो कटिया जाता है। नाकाबंदी किन तो किन लगातार हुई हुई है कदों तक नाकाबंदी? देखो रूटीन के साथ जी है शाम को डोमीनेशन होंगी हैगी कि थान पर होंगी कितने वो तो मैं नहीं चाहता क्योंकि ठीक नहीं होएगा क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने पता लग जाता है। असी जी अपनी स्ट्रैटेजिकली प्लैनिंग करके जी है नाकाबंदी और करते रहने सरप्राइज चैकिंग चलती रहती। हुल्लड़बाजी दे विच मैं दसना चाहना कि पिछले दिनों दे विच साडे SHO रणजीत एवी नूं जिहड़े हैगे 7-8 बंदे जिहड़े फड़ के जिहड़े हैगे उन्हां दी 7-51 करके असीं उन्हां नूं प्रिवेंटिव एक्शन किया है जिहड़े हुल्लड़बाजी कर रहे सी तो तुसीं हाईलाइट जिहड़ा किया काफ़ी उन्होंने इन्हों ने सख्त एक्शन लिया वा बाकी जिवें जिवें नज़र आता उस कानून मुताबिक कार्रवाई की। मेरे नाल ACP हैडक्वार्टर है नाल अश्विनी कुमार है ACP नरकोटिक्स है इस तो अलावा जिहड़े है 7 थाने दे SHO मेरे नाल फोर्स नाल है जिन्हां दे नाल असीं फ्लैग मार्च करदे। सो लगता भी इस फ्लैग मार्च के नाल कितना कितने क्रिमिनल नूं जां जिहड़े बुलेटबाजी करदे उन्हां दे उप्पर कोई असर पवेगा डर दी भावना दे विच? देखो यदा मकसद ही शो ऑफ फोर्स हों फ्लैग मार्च का सेंस ऑफ सिक्योरिटी हों एरिए डोमीनेशन करना हों ये मैं तुम माध्यम राही सारे लोगों को अपील करना चाहना कि जो थानू कोई भी सू शक्की एक्टिविटी नज़र आती है जो शक्की बंदा तो एरिए नवा आगे रह रहा तो वो इंटीमेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन जरूर दो असं टाइमली एक्ट करके देश में और जो है अमृतसर में जो है सुरक्षा पा सकते। द इवन मीडिया चैनल अमृतसर तो नरिंदर सेठी की खास रिपोर्ट।